कोरोना वायरस के चलते किसानों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में सब्जी मंडियों में खरीद कम हो रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी मोहना सब्जी मंडी में लॉकडाउन के साथ गुरुवार सुबह बारिश होने से मंडी में ही सब्जियां रखी रह गईं। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने बताया कि मंडी के समय में बदलाव के चलते और मंडी का समय कम कर देने से मंडी में आसपास की मंडियों के व्यापारियों और खरीदारों की कमी आई है। गर्मी में सब्जियों की अच्छी आवक हो रही है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी आ रहे हैं लेकिन उनको उपज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तंवर ने कहा कि मंडी प्रशासन को समय में बदलाव करने के साथ ही समय को भी बढ़ाना चाहिए। मोहना मंडी के टावर सब्जी ब्लॉक में सब्जी मंडी व्यापारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोहना मंडी में लगातार सब्जी की बंपर आवक जारी है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी में लगातार आ रहा है तथा सब्जियों की डिमांड कम होने के कारण सब्जियां बिक नहीं पा रही है। ये काफ़ी परेशानियां वो समस्याएं व्यापारियों के सामने आ रही है और किस अधिकतर सब्जियों की बात करें तो उनमें कोई तेजी नहीं देखने को मिल रही। मंडी का समय कम होने से भी सब्जियां नहीं बिक पा रही है, जिसका खामियाजा किसान को भी उठाना पड़ रहा है और व्यापारी को भी उठाना पड़ रहा है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मोहना मंडी के ओम तंवर सब्जी ब्लॉक में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मंडी के व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। उनमें पहला सुझाव तो यह था कि या तो मंडी प्रशासन हमें मंडी का समय बढ़ाए और वह मंडी कम से कम 12 घंटे खोले, जब जाके कोई भी सब्जियों में